में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में यूं तो विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन अभी से ही इसकी सरगर्मी शुरू हो गई है और राज्य का सियासी पारा बढ़ने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के क्षेत्र आजमगढ़ में पहुंचे, जिन्होंने सुलहदेव भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन बनाने का ऐलान भी किया था। वही आपको बता दें कि ये दोनों नेता आजमगढ़ पहुंचकर मुस्लिम वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम भी इसी हिसाब से तय किया गया, हालांकि इस दौरान पूर्वांचल में उनकी कोई जनसभा को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, लेकिन वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट में आजमगढ़ जाने के लिए जौनपुर वाला रास्ता चुना गया है, जो उनकी रणनीति को बताता है। हाल ही में बिहार के चुनाव में इस तरह का जातीय धार्मिक खेल खूब देखने को मिला था, जैसे कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर ओवैसी ने 5 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी, वैसे ही यूपी में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को चुना। इस नए भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर जनता का मन टटोलने आए ओवैसी जौनपुर, दीदारगंज, बाहुल, आजमगढ़ और फूलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के पूर्वांचल अपनी धाक बढ़ाने की शुरुआत की। जौनपुर आजमगढ़ वाला क्षेत्र मुस्लिम यादव बहुल माना जाता है। बता दें आजमगढ़ में हुए पिछले 15 चुनावों में से 13 बार किसी यादव उम्मीदवार ने ही बाजी मारी है और 3 बार मुस्लिम उम्मीदवार ने बाजी मारी है, अर्थात पिछले 59 वर्षों में मात्र पूर्व क्रिकेटर संतोष सिंह की 1984 में नॉन मुस्लिम नॉन यादव उम्मीदवार थे और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव तो 2019 में उनके बेटे अखिलेश यादव ने चुनाव जीता। इसी तरह आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 9 में से 8 चुनाव जीत कर सपा के दुर्गा प्रसाद यादव वे विधायक बने। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम का सवाल है, वो सड़क मार्ग से कार्यकर्ता से मिलने चलेंगे। बता दें कि रास्ते में कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की योजना बनाई है। वहीं दोपहर में जोहर की नमाज वो जौनपुर के मशहूर गौरनी मदरसे की मस्जिद में पढ़ने वाले हैं। नमाज के वक्त अच्छी खासी भीड़ होती है, ऐसे में वे लोग से संवाद करेंगे। बुराना मदरसा के साथ साथ मदरसा बतौल उलूम सयार मरी और कार्यक्रम में तय होगा, जहां मुफ्तियों से मुलाकात होगी और साथ ही नमाज का कार्यक्रम ही होगा। दिलचस्प बात यह है कि निगाहें स्थिर श्रीराम डिग्री कॉलेज सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री परसानाथ के यादव जयंती समारोह में आज अखिलेश यादव भी लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें ऐसे में जौनपुर जिले में इन दोनों बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी, बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी और प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाजवादी पार्टी अब तक ओवैसी राजभर के गठबंधन में आ चुकी है। वही आपको बता दें इससे पहले 2016-17 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खोदादी गांव में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद ओवैसी ने आजमगढ़ आने की कोशिश की थी, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इसकी अनुमति भी नहीं मिली थी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की भीम आर्मी भी राजभर के साथ एक समझौता कर चुकी है, ऐसे में अब नई समीकरण बनने की संभावना है जो सपा बसपा का खेल बिगाड़ सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में ओवैसी को बड़ा झटका भी लगा है, जहां एआईएमआईएम के कई सदस्यों ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। इसमें पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम और संयोजक शेख अनवर हुसैन पाशा भी हैं। आपको बता दें एआईएमआईएम के और नेता और उनके समर्थक पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हुए। इन नेताओं ने कहा कि उन्होंने जहरीली हवा को दूर रखने की पार्टी बदली है। इस खबर पर आप भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।